السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالأخص من الحاضرين مخصوصاً بني الملسكي مرحبين كلي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد الحمد والثناء لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام والتحية والاكرام على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء باحمد في الأرضين بأبي القاسم محمد الله صل وسلم. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن دائما لا أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وصدق رسوله وصدق ولي الكريم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد उम्मीद है कि इन अयाम फ़ातिमिया में अल्लाह अल्ला तआला हम सब पर और आने वाली नस्लों पर तमाम ममिन पर तमाम नेमत और रहमत नाजिल फ़रमाए हर बला से बिलअस बलाए कुफ्र शिर्क इल्हाद कफ़्र निफाक फ़ाको की नादुत से महफूज रखे हर नेमत से बिलखस नमत बिलाए बैत से मालामाल फरमाए जहाँ जहाँ ममिन परेशान हैं मजलूम पेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए इन मचालस के तोफाइल मखसूस वो लोग जो इस वक्त सितम का शिकार हैं उनके लिए अस, अमन व आसाइश फ़राहम हो हमारे इमाम के ज़ोर में ताजील हो और हम सब उनके ख़ास आवासार में मशूर हो सकें बेबरकत शलवा बर महमदो अल महमद हजरा जिस तरह से मैंने कल की मजरस में, में अर्ज किया इन का कावान होगा उसवा नमूना अमली तौर पर जो हम अपनी अमली जिंदगी को अहलैत के साथ मखसूस बीवी -बी के साथ किस तरह से मिला सकते हैं कल की मजलिस में मुकदमत में अर्ज किया मैं कि उसवा और नमूना उलगू जब भी एक रोल मॉडल की शक्ल में गुफगु होती है तो किन मुख्तलिफावियों से गुफ्तु होती है और मैं ये भी अर्ज़ किया कि हकीकी नमूना और उवा अगर बनाना है तो हम अमली तौर पर और इस तरह से हकीकी उ और नमूने का इंतख्य करें जो उसमें कामिल हो हर एतबार से ज़िंदगी के हर शोबे को हम उनकी जिंदगी के साथ मिला सकें तदबीक दे सकें और ये नमूना और उसवा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना बन सके अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है ऐसे नमूने के लिए एक ऐसी शख्सियतों की तलाश करनी पड़ेगी जो ख़ुद कामिल हों अगर वो ख़ुद नाकिस हों तो कुछ दे नहीं सकेंगे कामिल हों और साथ साथ में कमाल के साथ साथ में अस्मत भी उनके अंदर पाई जाए ताकि कोई ख़ता लफ्जश गुनाह या कमी का एहसास ना हो और मेरे अंदर कोई शक को शबा ना पाया जाए कि मैं जिनकी इतबा कर रहा हूँ जिनको मैं उसवा और नमूना बना रहा हूँ क्या वो इसके लायक हैं या नहीं ये शक व शुबा ना हो और तीसरी कंडीशन में भी मैं अर्ज़ किया मैं कि ये कि इंसान हो हम जैसा ऐसा ना हो कि फरिश्ता आ जाए और फरिश्ता हमारी मुश्किलात को दर्क ना कर सके चौथी बात यह थी कि वो मुश्किल को दर्क करे ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी एक मुजजे की जिंदगी हो गरचे ये जो चौदह मासूमिन या एक लाख चौबीस हज़ार अनबिया कुर मजीद में बताए गए हैं इसमत होने के बावजूद कभी भी अपनी अमली जिंदगी को मुजजे के जरिए गुजारी नहीं है बल्कि एक आम इंसान की तरह जो जो मुश्किल इंसान को आती हैं वो मुश्किल के साथ उन्होंने भी बर्ताव किया है तभी तो नमूना बने हैं कि इन मुश्किल के साथ किस तरह से इंसान एक कामिल ज़िंदगी को गुजार सके जो कि दुनिया के, के आहदाफ को भी पाले और आखिरत के अहदाफ को पाले इस दुनिया में जो सबसे बड़ा हदफ ये है कि हम इंसान आए थे इंसान जिंदगी गुजारे और इंसान की मौत हो जो कि खलीफा है ऐसा ना हो कि इंसान आए हैवान की ज़िंदगी गुजारी और मौत एक हैवान से पस्तर हुई अगर ये हो जाए तो उसके बाद आखिरत जो है ना उसी इस दुनिया का ही नतीजा होगा कोई दूसरी चीज नहीं होगी और ये एक और काबिल गौर बात यह भी मैं अर्ज कर दूर कि जिसको उसवा और नमूना बना रहे हैं उसके अंदर ये खूबी और क्वालिटी हो किसी जबान और मकान में महदूद और महसूर ना हो बल्कि उसके अंदर इतनी खूबियाँ हों कि हर जमाने के लिए हर मकान के लिए एक नमूना बन सके अगर आप पूरी तारीख में देखें अनबिया के बाद चौदह मासूम इनके अलावा कोई ऐसी हँसी नहीं मिलेगी जो ज़िंदगी के हर शोबे में और जिंदगी की हर अदा के लिए और हर जमाने के लिए नमूना बन सके मगर अहल बैत ये हमारा दावा है अब अगर ऐसी बात है तो देखें कि ये इस तरह के जो उस्वे खास खासव आत्म जो अहल बैत को बना रहे हैं ये अयाम अयाम शहादत हज़रत जहरा सलाम उल है आज की जिंदगी में आज के हालात के एतबार से हम किस तरह से बीबी को नमूना बना सकें ताकि हमारी जिंदगी इस माहौल में रहकर भी कामयाब हो सके बबरकत सरवाद पर मोहम्मद मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि कभी कभार गलती ये होती है कि जैसे ही उसम और नमूने का जिक्र करते हैं तो जिस तरह से मैं कल कहा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान की सोच से या इंसान की निगाहों से ऊपर होती हैं वो भी नहीं और ना ही हम ये समझें कि उस पर नमूना के बने कि मैं उन जैसा कपड़ों में बन जाऊं या उन जैसा घर का सामान लेकर आऊं घर के अंदर मेरे जो वसायल हों वही मिट्टी के बर्तन बन जाए ये भी मुराद नहीं है ये नमूना नहीं है बल्कि ये एक कोता फिक्री है बल्कि नमूना जो इंसान बनाता है किसी को सिर्फ ये नहीं होता कि अदाब उनकी निकाल ले बल्कि उन जैसे शराइत में रहकर किस किसरा से मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी अब जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग पांचवें इमाम की खिदमत में आए पांचवें इमाम का जो ज़माना था और रसोल्ला के ज़माने मोलाना के ज़माने और इमाम हसन इमाम के ज़माने से थोड़ा मुख्तलफ था मुख्तल यूं था कि पांचवें इमाम के जमाने में मुसलमानों की मैशती हालत बेहतर हो गई थी चनाचे मुसलमानों का एक आम तौर पर जो एक तर्ज जिंदगी था वो एक स्टैंडर्ड कुछ ऊंचा था मौला मोलाकात के बारे में आप हमेशा सुनते आए हैं कि कई वसले और कई जिन वो मतलब वो वसले होते थे कपड़ों में ऐसा था कि एक पूरा एक सॉलिड इमाम का कपड़ा नहीं होता था कई जगह से इमाम के कपड़ों पर एक छोटे से छोटे वो वसले होते थे और खुद उनकी जो जूतियां थी इतनी पुरानी थी कि लोग उन जूतियों को देखकर खुद हसरत करते थे जब मौलाना से पूछा था कि भाई आप इस तरह क्यों से नहीं गुजारे जबकि आप एक अमीर मिन एक मुल्क के बड़े हैं तो मौला ने फरमाया था कि मेरी जिंदगी एक आम जो जिंदगी लोगों की होती है उससे उसके बराबर या उससे थोड़ा और नीची होनी चाहिए ताकि लोग मुझे देखकर कर शर्माए नहीं कि मैं उन जैसा कपड़े नहीं पहन सकता लेकिन पांचवे इमाम के ज़माने में हालात मुख्तलिफ थे लोग बेहतर कपड़े पहनते थे लोगों के पास खाने के वसायल बढ़ गए थे आठवें इमाम के जमाने में कुछ और बेहतर हो गए सातवें इमाम के जमाने में जैसे जैसे हालात हुए फिर नवे इमाम के बाद फिर हालात फिर और बदल गए बिगड़ गए जो हालात गुजरे थे तो रिवायत हादिस में बताया था पांचवें इमाम और सातवें इमाम इन दोनों के ज़माने में चूंकि हालात बेहतर थे तो इनके जो जाहरी कपड़े थे मुख्तलफ थे अब लोगों को जो उस और नमूने का एक भूत सवार था वो आके पूछते कि आका मौला आपके दादा के कपड़े कुछ और थे आपके कपड़े कुछ और हैं आपके दादा के घर में जो वसाइल थे मोलाकाना के कुछ और थे और आपके पास कुछ और हैं तो क्या आप उनकी इतबा नहीं कर रहे हैं तो छठे इमाम ने पांचवें इमाम ने और सातवें इमाम ने दोनों इमाम ने यही जवाब दिया था कि इतबा और नमूना किसी को बनाना ज़ाहरी तौर पर नहीं है कि उन जैसे ही कपड़े पे मुझे याद है कि जिस वक्त हम पहली दफ़ा हज पे गए थे नाइनटीन एटी नाइन में हालात कुछ अली अजब थे वो जिन जाम का आम हुआ था क्या हुआ था उस वक्त अगर जाए देखें तो मुस्तलफ़ा में कोई बाथरूम नहीं बनाए थे वजह क्या थी भावियों के जहनों में एक भूत सवार था कि चूंकि रसोल्ला के जमाने में यहां पे कोई इस तरह की चीज बनी नहीं थी हम उनकी इतवा कर रहे हैं देखिए अकल में कितने मतलब अकल के ताले देखे कहां कहां तक तो ये तस्वुरा उनके मतलब था तो ये जो नमूना और उसवा की गुफ्तु हो रही है जाहरी तौर पर नहीं है बल्कि हकीकी तौर पर अब यह तो बात मतलब एक ये होगी कि किस तरह से हम अपने आप को उनका एक पैरू बनाएं नमूना बनाएं क्वालिटीज में और जिंदगी के मुख्तलिफ हालात में किस तरह से हम अपनी जिंदगी को गुजार सकें तो उसमें कई चीज़ों में अगर देखें चूंकि बीबी की जो ज़िंदगी थी एक उसवे कामिल थी हर एतबार से तो उसमें कई असूल थे उन असूलों में से हर ओसूल की तरफ गुफ्तगु नहीं हो सकती लेकिन एक ही असल जो कि तरबियती पहलू है मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा इन सबसे पहला क्या है ये कि आपकी सादा आजीज थी जिंदगी में जो सादा पना था अलहमदिल्ला तो उस पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई जगह बताया जाता है ज़ाहिर से बता आज भी हमें होना चाहिए मेरा गुफ्तगु आज इनमान ये नहीं है दूसरा क्या है आपकी जिंदगी किस तरह से जा में जिंदगी थी और किस तरह से बैलेंस था फैमिली जिंदगी में बैलेंस सोशल लाइफ में बैलेंस मस्जिद में इबादत में राजो नियाज में बच्चों की तरबियत में शोहरदारी में दर्श देना दर्श सीखना यहां तक कि बीबी -बी कई जंगों में जाकर जंगों में जाकर आप हमारी बात हदीस में बताया था कि रसुल्ला जो जंगो तो उसमें मरहम दिया करती थी बीबी कई जंगों में तो अगर आप देखें आपकी मुख्तसर जिंदगी है जिंदगी सिर्फ अठारह साल की अल्लाह अकबर इस अठारह साल की जिंदगी में आपकी जाम सिफात इंसानी आपको मिलेंगे ये खुद एक अलग टॉपिक है कि किसान से बैलेंस था आम तो बहुत ना कि इंसान शादी के बाद अलग हो जाती है जिंदगी दोस्तों से कट जाता है यहाँ तक कि कोई घर वालों से कट जाता है एक अलग गुफ्तु या कभी कभार उस इफराद इफ्रा, की तरफ जाता है तो शादी के बाद भी वो दोस्तों का ही भूत सवार होता है और वो मतलब वो पूरा हक नहीं दे पाता क्यों उसे कि वो बैलेंस नहीं होता इसमें भी गुफ्तु हो सकती है वो भी मेरा इनवान नहीं है तीसरा ये हो सकता है कि आपके अंदर जो सिफात कामिल पाए जाते थे उसकी तरफ हर एक सिफात एक मजलिस मिनिमम होनी चाहिए फिदाकारी नमाज रोज़ जो कुछ आपकी अदाएं हैं अगर उस पर एक एक, एक, एक पे देखिए तो कई मजलिस अलहमदिल्ला अगर हमारे पास देखा जाए एक खजाना रिवात हदीस का पाया था जबकि इतनी हदीसें जला दी गई किताबें ख़त्म कर दी गई इसके बावजूद लेकिन हमारे पास जो सबसे मेन सोर्स है मजलिस ही है तो मजलिस में इनशा गुफगु होनी चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ जो मुक्रीन और जो वो ख़ुतबा और वाजिन हैं वो एक अलग अलग पहलुओं से गुफतु करें अच्छा रहेगा कोई फ़ज़ाइल के पहलू से गुफ्तु करे कोई आए और बीबी की जो इबादत की खसूसियात हैं उसकी तरफ तो गुफग करें ताकि इंसान अपने लिए एक नमूना अगर इंतख करे तो हर फील्ड में वो कर सके उसमें कुछ कोई बुर, बुरा बुराई नहीं है कभी कभार कहते हैं कि भाई क्यों सिर्फ सिर्फ फ़जाइल हों क्यों ना हो फ़ज़ाइल भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ताकि फ़जाइल से इंसान अपने अंदर जो ये खसूसियत क्वालिटीज जो पाई जाती हैं, उनको उजागर कर सके वो भी होना चाहिए इसमें कोई शक को शुबा नहीं है वो एक गुफ्तु है चौथी गुफ्तु क्या है ये कि बीबी -बी की जो लोगों की तरफ जो हिदायत के पहलू हैं कि किस तरह आपने मौला के हक के लिए हक के विलायत के लिए दिफा किया है ये खुद एक अलग गुफ्तु है कि आपके खुदबा देखें सुबहानल्ला या आप देखें बाग फिदक हालांकि बीबी खुदा की कसम बागे फिदक की मोहताज नहीं थी बीबी के लिए गम और गुस्सा बागे फिद का वापस लेना नहीं था लेकिन बीबी का जो दर्द था वो ये था कि अगर इस वक्त एक हक गजब कर दिया जाए तो ये बागे फिदक का गजब करना इमामत के करने को मजबूत बना देगा अब उसके बाद इसका अंजाम करबला में उभर कर आएगा जो बीबी -बी की निगाहें थी एक जाम निगाहें थी इसीलिए सातवें इमाम के जमाने में आठवें इमाम के जमाने में हारून या मामून दोनों तो रिवाते हैं मामून भी हारून भी मखसूस जो मामून आठवें इमाम इमाम रिजा से जैसे अर्ज करता है कहते हैं कि आपके लिए सबसे जो दर्द है वो ये है कि आपसे बाग़ छीन लिया गया हम चाहेंगे को वापस कर दें इसे और क्या अच्छी बात हो सकती है फिदक वापस हो जाए इन्हें अगर कोता फिक्री हो कि बीबी एक जमीन के एक टुकड़े की तरफ गुफतु कर रही है तो इमाम ने कहा कि अगर वापस करना चाहता अच्छी बात है तो बताएं कि उसका बाग़ का हिसार क्या है इमाम ने कहा मिनल मकर मशरक मिन शिमाल जनूब मगरब से मशरक शिमाल से जुनूब तो मामू, हा, मामून कह तो मेरी हुकूमत से कई हजारों गुना बढ़कर है तो इमाम ने कहा क्या तुम समझ रहे हो कि फिदा का एक छोटा टुकड़ा था जिसकी खातिर हमारी जद्दा मस्जिद में जाकर मुकदमा दर्ज कराए और जालिम के दरबार में खड़े होकर गुफ्तू करे क्या वर्त करता है नहीं बल्कि एक बहाना था उसके पीछे जो इमामत को इमामत की जो रख काटा जा रहा था वो देख रही थी अगर ये बागे फिदक दे इसकी बने की इमामत दे दे। इमामत मेरी तेरे हुकूमत में आई नहीं आगे नहीं मेरी इमामत तो मगरब मशरिक शिमाल जो भी कम है बल्कि मेरी इमामत तो हर जर्रे जर्रे पर है और हर जर्रा जर्रा मेरी इमामत का इ कर रहा है इसमें कोई शक शुबा नहीं लेकिन वो जो कोता फिक्री है वो बाग एक छोटा सा हिस्सा समझ रहे हैं तो ये इमाम ने बता दिया तो ये भी मेरी गुफ्तु नहीं है कि अगर इसके बारे में मजालस पढ़ना चाहें तो हर मौजू पर मजलिस हो सक मजलिसें हो सकती हैं लेकिन आए जो ये एक खास पहलू की तरफ मैं चाह रहा हूँ आपकी अजहान ले जाऊँ वो तरबियती पहलू है तरबियत पहलू आज की हमारी जिंदगी में अगर देखा जाए किस तरह से हम अपने आप को मुरबी बना सकें ताकि यहां पर दूसरों के लिए मुरबी बन सके दूसरों से मतलब क्या है सबसे पहले खुद अगर मैं मुरबी बन जाऊं सफीर बन जाऊं बीबी के बताए हुए रास्ते पर अमल करने लगूं तो फिर मैं अपने घर को बेहतर बना लूँगा जब मेरा घर बेहतर बन जाएगा तो फिर इन कल बच्चों की तरबियत के हवाले से बीबी के जो नुस्खे हैं वो नुस्खे दूंगा मैं कि बीबी ने क्या क्या नुस्खे दिए हैं क्या क्या बातें बताई हैं ताकि हमारी अमली जिंदगी तरबियत के हवाले से बेहतर हो सके तो आज आए सबसे पहली चीज़ क्या होगी वो आज की गुफ्तु में मैं चाहूँगा गुफ्तु करूं मैं तरबियत क्या तरबियत के माने क्या है जब भी तरबियत कहते हैं वो रुश बलू यानी बलू इधरा इंसान कामिल तरीके पे एक रशीद हो जाए मैच्योर हो जाए अब मैच्योरिटी जो हमारे पास अल्फाज भी इतने महदूद हैं कि सही तरीक़े से पूरा मतलब हो नहीं सकता जब कहते हैं मैच्योरिटी की तरफ कहते हैं कि मैच्योरिटी क्या है कि इंसान बलू यानी बालग हो जाए यानी क्या है चौदह साल का हो जाए नहीं बाबा चौदह साल में बालिग हो सकता है इंसान कभी दस साल में बालिग हो जाए ग्यारह साल में हो जाए कुछ लोग हैं जो चालीस साल में बालिग नहीं होते बेचारे वो थोड़ा अभी मतलब मोहताज हैं वो हिदायत की ज है तरबियत के मुरबी नहीं हो सकते ये नहीं बलूक के माने क्या यानी इंसान अपने पैरों पर पे इस तरह से खड़ा हो जाए कि उसके अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज हो और अपनी जिंदगी किसी के खुदा न खास्ता जहर की वजह से तबाह ना कर दे आमतौर पर उतना कि इंसान दूसरों की बातें सुनकर अपनी जिंदगी किस तरह से तबाह कर देता है इसकी कि मिचोड़ नहीं है वो अभी वो बालिग नहीं हुआ है बालिग इंसान वो है कि वो असर पजीर नहीं है असर गुजार है अगर इंसान असर दूसरों से ले रहा है तो बालिग नहीं हुआ है जब बालिग नहीं वो तो तरबियत मुरबी नहीं बन सकता मुरबी तभी बन सकता है कि वो दूसरों को असर डाले अब जैसे भी सारे टीचर कहते मुरबी अगर टीचर खुद जाके स्टूडेंट से सीखने के लिए जाए अगर बच्चों से सीखने की तो करे तो क्या सिखाएगा वो मुरबी नहीं है ना वो बल्कि इतना उसके अंदर क्वालिटीज हो कि बच्चों को तरबियत कर सके तो वही मुरबी है ना तो ये तरबियत ही मतलब जो बलूक मुरबी बनना यानी बलूक की तरफ तो बीबी की जो निगाहें यहाँ पर हैं ये कि वो इंसान को उस मरहले पर ले जाना चाहती है कि इंसान अच्छाई और बुराई की तमीज़ कर ले अपने पौ में खड़ा देखिए जितनी भी खुदबात हैं जितने भी जुमलात हैं बीबी -बी के उसी मैं आऊंगा एक बैग ताकि उसमें मतलब वाज हो जाए तो इस सूरत में मतलब क्या अगर अगर आप देखें तो हमारी जिंदगी के असूल में फ्यूचर के लिए मतलब क्या होगा अगर आप मिसाल 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 लें आप एक दरख्त अगर दरख्त अगर दरख्त की तरबियत करनी है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है वह बीज पौधा जो लगा रहे हैं कौन सा बीज आप इंतख्या कर रहे हैं अगर आप सेब का दाना ले लें तो करें कि यहां पे नारंगी आ जाएगी या खेला आ जाएगा तो ये बेवकूफी की बात है जो पौधे का आप बीज बोएंगे वही निकलेगा और वो बीज जो इंतख्या करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये एक है और दूसरा ऐसी जमीन का इंतख्य करेंगे जहां पे ये फल आ सके यहां पे माशाल्लाह कैलिफोर्निया में काफी लोग गरचे वो इंडिया से आम के जो वो गुटलियाँ होती हैं वो ला नहीं सकते काफी लोग कोशिश किए छुपा छुपा के लाकर यहां पर बोते हैं वो निकलते नहीं ठीक है इसे कि अगर निकलते भी हैं तो वो उसका टेस्ट नहीं आएगा इसे कि उसके एक माहौल चाहिए एक जमीन चाहिए वो जमीन नहीं है ठीक है तो जमीन जमीन एक ऐसी जमीन हो जो कि उस चीज को प्रोडक्ट कर सके ठीक है उसके तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज यह है कि उसके लिए माहौल भी वही मिले इन्वायरमेंट क्लाइमेट मिले जिसके जरिए उसको वो माहौल मिले वो दिरख्त निकल सके वरना फिर वो जल जाएगा पानी भी दे सके सूरज भी आ सके वीड्स भी निकाले ये अगर तमाम चीजें हों तो फिर वो उस दरख्त की तरबियत कमाल तक पहुंचेगी कमाल क्या है बीज था सेब बन जाए अगर वो बीज ऑरेंज का है तो ऑरेंज बन जाए अगर वो पौधा केले का है तो केला बन जाए अब अगर केला बन जाता तो कमाल तक पहुंचेगा ना एक साइकिल है फिर उसके बाद उसका जो तो फिर वो सेब का जो बीज होगा बीच जब हम बोएंगे तो फिर से शुरू से नहीं उसकी हयात मिल गई तो यह साइकिल तो आप देखिए अगर हमारी जिंदगी में देखें तो सबसे पहली चीजिल हो जाते हैं वो खुद बीज का है खुद हम क्या है, हम क्या, है? क्या हम जो रिवाज आतीम असला ये खुद पाक खालस मैच्योर अगर वो बीज हो तो बीज उस काबिल है कि वो बोया जाए इमैच्योर में कुछ फायदा नहीं है अब वो जमीन क्या है अपनी मजीद में जो अल्लामा तबाता भाई हफ्ला जो तफसरे कुर फरमाते हैं औरत एक खेती है आम तौर पे ये इसके मफहम को समझे ही नहीं लोग अल्लामा भी फरमाते हैं ये खेती से मतलब ये है कि ये बीज अगर खुद बीज रह जाए तो तबाह हो जाएगा जब तक ये बीज किसी खेती में ना आए और वो खेती उस बीज को तरबियत ना करे फिर से दिरख्त बना बनाए तो कमाल तक पहुंचेगा ही नहीं तो औरत जो अदा करेगी वो खेती का काम अदा करेगी तो फिर ये मर्द औरत दोनों मिलकर वो माहौल को बनाएंगे पानी देंगे सूरज का इंतजाम करेंगे को निकालेंगे जब जाकर एक बच्चा होगा और बच्चा फिर आइंदा कामयाबी की तरफ जाएगा अब इस माहौल को अगर देखें इस पूरे इक्वेशन को देखें तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आती है वो इंसान के बका और इस्तेमरार के लिए एक पेर की जरूरत है मेल फीमेल मर्द औरत अब ये मर्द औरत का जो रिश्ता जो बताया गया है सुबह इस्लाम में इससे बढ़कर कोई और मुकदस रिश्ता नहीं है आम आमतौर तो अगर आप जाकर देखें कहते भाई फैमिली की आप तारीफ करें आम लोग कहते हैं फैमिली से मतलब ये कि माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट मां बाप है क्या फैमिली नहीं न्यूक्लियस और कोर ऑफ द फैमिली माँ बाप नहीं है दादा दादी नहीं दादा दादी बच्चे नहीं बच्चे नहीं है फिर कौन है मियाँ बीवी मिया जो और मिया जो बीवी है मियाँ बी जो है बीवी ये कोर है जो इस्लाम में बताया गया है जिससे हम आमतौर पर काफिल हो जाते हैं माँ बुनिया फिल इस्लाम बिना अन अहब अल्लाह कोई इस दुनिया में ऐसी बुनियाद नहीं है इतना अच्छा रिश्ता नहीं है खुदा की निगाहों में महबूब बेहतरीन मगर एक मियाबी का रिश्ता हमारे पास रिवायतें आदि रिवायतें इतनी बड़ी हुई है माशा लेकिन हम आमतौर पर माँ का अहतराम बिल्कुल होना चाहिए वाजिब है बाप का अहतराम होना चाहिए वाजिब है अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में कुछ बातें होती हैं तो कहते ये बीवी का गुलाम हो गया ये अफसोस की बात है कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं आजकल जितनी भी नवाजुब बातें आजकल मिजा जुमलात होते हैं वो तमाम मजा जुमला मियाँ बीवी के दर में को चीटिंग के लिए मिया बीवी के में डालें मिया बीवी के मतलब नहीं, जितना इ... उसमें जितने लतीफे बनाए गए हैं इंसान सोच नहीं सकता चनानच अगर देखा जाए तो इंसान के जिंदगी के लिए इस्तेमरार हयात बशरी के लिए अगर देखा जाए तो ये शादी क्या अहताफ शादी क्या हताफ नहीं सबसे पहला शादी का हदफ जो बताया था देखिए इंसानियत अगर बाकी रहना है तो शादी ही तरीका है जो इस्लाम में जो हम जिसग्राई एल जी बी टी का जो जिक्र है मैं उसकी एक अलग गुफ्तु है कभी इन ओपन फॉर्म में गुफ्तु होना है अगर ये गुफ्तु नहीं हुई तो फिर उसकी एक एक कमी रह जाएगी यानी इंसान के लिए इसलिए कि पुरानी मजीद में हज़रत लूत का जो वाक्य बताया गया है ये खुद एक निशानदेही है कि इंसान के अंदर क्या क्या इन्हतात आ सकते हैं ठीक है ये जो मियाँ बी कश्ता तो ये सबसे पहले कि इसके अलावा इंसान इस्तेमरार नहीं पा सकता हो ही नहीं सकता ठीक है दूसरा क्या है दूसरा यह है कि दीन इंसान का कामिल हो ही नहीं सकता अगर आप कहीं भी क्या मतलब इंसान अगर शादी ना करे तो या बेदीन हो जाएगा बेदीन नहीं उसका दीन कामिल हो ही नहीं सकता पुरानी मजीद में रिवाज में हदीस में देखिए जब तक कि इंसान शादी नहीं करेगा उसका दीन कामिल नहीं होगा ठीक है तीसरा क्या है अगर इंसान को सुकून चैन इतमान अमनीत आसाइश अगर चाहिए तो शादी ही में होगी लेकिन जितने लतीफे हमारे बताए गए हैं उसमें यही है कि चैन चाएन, बेचैनी चैनी बेअमादी बेबुनियादी शादी में है लतीफे यही है ना लेकिन इस्लाम में उसके बिल्कुल बरअक्स है और आराम से बचने का बेहतरीन तरीका यही शादी है अगर आप इनकी इन, ये ये जो गुफ्तगु में अर्ज कर रहा हूँ अगर इसमें देखें तो इसमें खुद पता चल जाएगा कि शादी एक अयाशी नहीं है शादी एक ऐसा रिश्ता नहीं है कि इंसान मतलब हैवानों की तरह आए और ख़त्म करे और चला जाए नहीं बल्कि शादी इस इन, इतना मुकदस और महबूब रिश्ता खुदा की निगाह में है अनबिया की निगाहों में है की निगाहों में है कि उससे बढ़कर कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता इस रिश्ते के लिए बीबी की जो है। देखिए बीबी की जो हैं, बीबी की निगाह है। देखिए आपकी जो जिंदगी का एक नया रुख होता है वो शादी से है शादी से पहले एक बेटी के तेवर में या बेटी के भेस में बीबी ने इस्लाम की खदमात अंजाम दी और इंसानों को वो खदमा दी कि खुद बाप के लिए एक सुकून का बायस बन गई अगर पूरी कायनात के लिए हुजूर आलमीन है, तो मरकज आलमीन भी भी रहा है। तो भी, है हजूर ररकजम शको शुबानी आप वो रहमत है कि खुद हजूर सुकून और चैन बीबी को सूंघ कर पाते थे सुबह तो ये तो रिवाज है जिसमें लेकिन आपकी खुद जिंदगी देखें आपकी जिंदगी का सबसे अनोखा जो एक किरदार रहा है वो एक बीवी के भेस में रहा है फिर उसके बाद माँ के भेस में रहा है सुबह आमतौर पर एक इंसान अच्छी बेटी या अच्छा बेटा बन जाना एक अचीवमेंट है लेकिन अच्छा बाप अच्छी मां बनना एक दूसरा कमाल है और तीसरा कमाल क्या है अच्छा मियाँ बन जाए अच्छी बीवी बन जाए ये भी कमाल है यह तमाम कमाल आते हैं जब तक कि जुड़ेंगे नहीं उस वक्त तक इंसान की कमाल तक पहुंचेगी ही नहीं तो अगर इस तरह से आप देखें तो बीवी जैसे ही आपकी शादी होती है आपकी शादी कब हुई है नौ साल में बाज लोग ये समझते हैं कि अस्ताफ़िर नौ साल में हम लोग जब एक मुकायसा करते हैं तो कुछ ऐसी चीजों को ऐसी चीजों के साथ मिला लेते हैं कि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं बाबा अगर आप देखें उस जमाने के हालात और जो एवरेज शादी की जो एज उस वक्त बताई जाती है मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एजाज़ क्या है बाज़ लोग मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई बेबी मतलब हर दिन में एक साल बड़ी होती थी और नौ साल की उम्र में वो तीस साल की थी ए ये मतलब ये तो तख्यली और ख़्याल बातें हैं ये इसमें तो नमूना बन ही नहीं सकती ना नहीं नमूना इसीलिए उस उस ज़माने में अगर देखा जाए तो हालात कुछ ऐसे थे कि औरत मेच्यूर जो होती थी वो नौ साल में मेच्यूर हो जाती थी ठीक है ये सिर्फ बीवी के लिए नहीं है अगर आप जाके देखें क्रिश्चियनिटी में जुडाइज्म में हिंदुज्म में या खुद इस्लाम में ये पूरा एक तरीका रहा है सिर्फ उसे इस्लाम का नहीं है और जो एज जो नॉर्मल एज जो उस वक्त हुआ करती थी वो थोड़ा कम हुआ करती थी जल्दी इंसान अब उसकी बाज ना ताकि मतलब ने जल्दी इंसान शादी करे शादी करें बच्चे जल्दी हो मतलब ये पूरा एक पूरा सिलसिला है तो ये एक अनोखी बात नहीं है कि बीबी सिर्फ उसमें अकेली थी जो नौ साल की उम्र में शादी हो गई दूसरों की नहीं नौ साल की उम्र में बीबी की जो अकलो रुश्तो अदरात थी उस काबिल थी कि रसूलुल्लाह शादी के लायक समझे हैं ठीक है बास लोग मतलब कुछ इस बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं बता रहा हूं कि नौ साल में आपकी शादी हुई जब आप नौ साल में आपकी शादी हुई है तो शादी के बाद आप तो शादी का जिक्र आप जानते हैं किस तरह से मौला की शादी हुई है बीवी के साथ किस तरह से रिश्ता हुआ है मंगनी हुई है अफसोस की बात यह भी है आजकल हमारे पास कि जब रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद एंगेजमेंट पार्टी होती है जो कि उसका कोई इस्लाम में आ, उसकी कोई मतलब हैसियत नहीं है अगर एंगेजमेंट पार्टी है तो उसके लिए शादी कर ले या निकाह कर ले मिनिमम निकाह के बाद जो कुछ भी बाद में रुखी करना चाहते हैं वो अलग बात है लेकिन ऐसा ना हो कि रिश्ता तय पाने के बाद एक एंगेजमेंट का अरसा इतना ज्यादा हो जाए कि हराम इतवा हो जाए जब पहला कदम अगर हराम में होता है तो उसके बाद वाले कदम भी हराम में ही होते हैं तो उसकी वजह से शादी होती है शादी के बाद दूसरे ही दिन अब वो शादी का जिक्र किस तरह से बीबी कपड़े पहन के आई थी किस तरह से साइल को देती हैं वो एक अलग दास्तान है मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता ताकि खुद एक वो मतलब ये तरबियत का पहलू उसकी तरफ गुफ्तु तो हो सके मौला कैनात दूसरे दिन बैठे हैं अपने घर में हजूर तशरीफ लाते हैं जैसे हजूर तशरीफ लाते हैं तो हजूर सवाल करते हैं मौला कानाथ से या आली कई फवजत अहलक अपनी जोजा को आप किस तरह से पाए अल्लाह अकबर मौला कायनात की निगाहें देखें और मौला कायनात का कॉन्फ्रेंस देखें वजत तो मुईनन लिल आखिरा वत दुनिया मैंने दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर मददगार और पार्टनर पाया, पायान कहते हैं पार्टनर इन्हें मौला कायनात खुद इंसान कामिल हैं लेकिन अपनी कमाल का आधा हिस्सा बीबी -बी को समझते ही मानते हैं कमाल का आधा हिस्सा बीबी -बी है अल्लाह अकबर इस दुनिया के लिए और आखिरत के लिए देखिए आपकी निगाहें कहां तक पहुंची है और बीबी के साथ किस तरह से फिर उसके बाद आप दोनों की जो जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़ा है अगर देखा जाए आमतौर पे शादी के बाद जो हालात बनते हैं एक अलग हालात हैं कुरान मजीद में देखें कुछ मिसालें बताई गई सबसे पहली मिसाल कुरान मजीद में जो कामिल घराने की बताई जाती है नाकिस घराने की बताई गई है हज़रत नूह के का घराना है या दूसरे जो अनबिया के साथ जो घरों में मुश्किल थी वो है कि बीवी ना हल थी या बच्चे ना हाल थे ये नहीं बल्कि एक कामिल घराने की जो अल्लाह सुबह मिसाल देता है उनमें हज़रत याहया और हजरत जकरिया और यहा की जो माँ थी जकरिया की जोजा थी उनका उनकी मिसाल एक है ठीक है कुरान मजीद ने जो बताया था वो क्या है यु सारा फिल खैरा सार फिल खैरात ये तीनों बीवी मिया और बच्चा तीनों नेकी में किस तरह से वो आगे बढ़ते थे मजीद में जो अल्फाज जो बताए गए हैं अजीब अल्फाज हैं सबसे पहला जो जुमला है वो उना उसके बाद व रहबा अल्लाह की इबादत अल्लाह की बंदगी अल्लाह की परस्तिश बाद में आया है पहले वो अच्छे इंसान हैं दूसरों के लिए और अच्छे बंदे हैं अल्लाह के लिए उसके बाद क्या है वकानुलना खास जो कुछ उनका अमल था वो सिर्फ अल्लाह के लिए था अगर बंदगी भी कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए है अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि जन्नत की ख्वाहिश में हो या जहन्नम के डर से हो या किसी लालच में हो किसी नहीं डर और लालच के नहीं अल्लाह के लिए और अगर लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं तो किसके लिए है अल्लाह के लिए अब जिसकी निगाहें अल्लाह की होती हैं तो अल्लाह से तो होती है दूसरों से मतलब नहीं होती तो किसी से हो ही नहीं सकती इसी तरह रसूल मलाकात की जिंदगी का कुरान मजीद में अब वो चाहे आयत तथीर लें या सूर दहर सूर्य दहर में अगर जाकर देखें

शारो फिदाकियों तम तम अलाब ही मस्किन असीरा ये खुद बताया कि घराना पाक किस तरह से होता है फोर्स है नहीं बीबी फोर्स नहीं की जैसे साइल आता है तो सबसे पहले रोटी किसकी जाती है बीबी -बी की जाती है तो मौला कायनात को फोर्स नहीं कर रही खुद मौला कायनत हाथ से फिर उदेर है अब यहां पर हसन हुसैन को फोर्स नहीं किया जा रहा बच्चे हैं लेकिन तरबियत का असर इतना होगा कि खुद हसन हुसैन बढ़ रहे हैं अब घर में जो कनीस फिजा थी वो खुद उठकर जाकर जा कर दे रही है तो ये कनीस फिजा का इख्तियारी तौर पे पर रोटी का दे देना भूखा प्यासा रहने के बावजूद या बच्चों का देना खुद ये मिला को मेयर बता रहा है कि यहां पे कोई फोर्स नहीं है बनावट नहीं है इन्ना मिनकुम जजा वला शकूरा ये लोगों से मांगना ही नहीं है जो हजरत यहया और हजरत जकरिया के बारे में जो कुछ बता था, अमली तौर पे जो मलाकाना की जिंदगी में मिलता है वो ये बताया था तो चनाच में मैं ये अर्ज कर दूँ ताकि इन कल की मजलिस में असल तरबियती असूल को मैं बताऊँगा और किस तरह से एक कामयाब जिंदगी अगर घर में होना है ताकि इस माहौल में रह कर तौर पर होता है कि माहौल को हम ब्लेम कर देते हैं कि भाई हमारा माहौल कहाँ है आईमा थर का माहौल कहाँ है ऐसा नहीं है कि आइमा थर का रसोल्ला का माहौल हमारे माहौल से अच्छा था ऐसा नहीं है अगर यहाँ पर बेहदगी पाई जाती है शराब है बरहनगी है वगैरह वगैरह है तो देखिए रसूलुल्लाह जैसे ही मिशन को इख्तियार करते हैं शुरू करते हैं तो वो अकेले ही मुसलमान थे ना वो थे बोला कायनात तो और बीबी उनके अलावा कौन था दूसरा यहाँ पे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मस्जिदें हैं वो पूरा एक माहौल है दोस्त हैं अहबाब हैं वहां पे कौन थे ऐसा नहीं था कि उनके लिए माहौल बेहतरीन माहौल था अब उसके बाद भी दूसरे अम्मा को भी देखें तो वो माइनॉरिटीज में थे ऐसा नहीं था कि यहां तक कि मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुकून से अपनी पूरी नमाज पढ़ सकते हैं क्या कायनात खुद हुकु, अपनी हुकूमत के जमाने में तरावी की नमाज को रोक सके हैं अब जाएं देखिए किताबों में पढ़ें दूसरी तो की तो कर दे। का अगर में खुदा ना होता तो शमशीर के जरिए मैं एक ही दिन खत्म कर देता बात माहौल जब बन जाता कल्चर बन जाता कल्चर को चेंज करना कमाल है फोर्स करना कमाल नहीं है कि फोर्स के जरिए कोई चीज आ जाए जब मौला कहना था अपनी हुकूमत में वो चीज़ें जो असली प्योर थी पूरी तरीके से इजरा नहीं कर सके तो क्या दूसरे इमाम कर सके अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार हम ये नेमत को समझ ही नहीं सकते कि ये नेमत हमारी नेमत है मुहर्रम है रमज़ान है मजसें हो रही हैं मातम हो रहा है तो अब इन तमाम चीज़ों की वजह अगर इंसान ब्लेम कर ले कि अभी भी माहौल नहीं है इससे बढ़कर और क्या माहौल होना चाहिए माहौल के लिए सिर्फ मियाँ भी चाहिए यहाँ पे मियाँ हैं बीवी हैं बच्चे हैं पूरा सेंटर है पूरी सोसाइटी है दोस्त हैं अहबाब हैं अगर ये तमाम कुछ हो जाए आज़ादी है तो इसके बावजूद अब देखें जाए तारीख़ अनबिया में देखें तारीख़ अनबिया में हर नबी के लिए जो मुसीबतें गुजरी हैं सिर्फ व सिर्फ इबादत के लिए या जो अब काफ का पूरा जो आप किस्सा सुनते हैं असाब काफ का किस्सा क्या है पूरा किस्सा यही है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत सुकून से गुजारना चाहते हैं जो उनको मैसर नहीं है तो हमारे पास है या नहीं है अगर है तो फिर किस चीज की शिकायत है अगर है तो फिर क्यों अपने आने वाली नस्लों के लिए वो तदबीर नहीं कर पा रहे हैं हमारी जो नस्लें हैं दूसरी तीसरी चौथी इन शाह सौ दो सौ सात सौ हजार जो कुछ नस्लें होंगी इमाम के जहूर तक के लिए तमाम नस्लें किस तरह से हम उन नस्लों को आबाद करें आप हजार नस्लों की बात नहीं है अगर आप खुद सही हो जाए आपकी जो औलाद सही हो जाए तो उसके बाद वो खुद सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आखिरी बात यह है कि भाई मतलब बीबी के सिलसिले में, में यर्ज कर मैं आखिरी बात यह कि आम तौर पे कहते हैं कि भाई ये चौदह सौ साल की पुरानी बातें हैं नहीं चौदह सौ साल पुरानी बातें है नहीं हैं आज अगर जाकर देखें जो कुछ रमाशनाथ हजरात जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं तरबियत के हवाले से मोहब्बत के हवाले से रेस्पेक्ट के हवाले से किस तरह से बच्चों की तरबीय होनी चाहिए बच्चों के लिए किस तरह से कहानी ये कल इन शर्ज करूँगा मैं पूरी जो बातें हैं अगर देखा जाए तो चौदह सौ साल पहले बीबी ने जो माहौल दिया है आज भी साइकोलॉजिस्ट के अतबार से बेहतरीन माहौल है जो दूसरे अल्फाज में बता बता रहे हैं लेकिन हम चौदह सौ साल पहले ये ख़ज़ाना मिला है खजाना ऐसा है जो कि छुपा हुआ खजाना हम रखे हुए हैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं अब आए देखिए खुद बीबी की जिंदगी के कुछ आ, मतलब उसूल को देखें सबसे पहला असर यह है कि आपकी पैदाइश से लेकर नौ सौ नौ साल तक जो कि आपके और आपके वालिद के दरमियान रिश्ता था इसे कि जब बिल्कुल छोटी बच्ची थी वालदा का इंतकाल हो गया यतीम हो गई इस यतीमी में बाप के सारे पली हैं ठीक है नौ साल में आपकी शादी होती है शादी के बाद तरबियत का एक पहलू होता है बच्चों की तरबियत होती है और अठारह साल में बाप का बाप की शादत या रहलत होती है बाप की रहलत के बाद कौन बाप रसूल किराम इस्लाम आपकी रहलत के बाद आप कितने साल जिंदा रही हैं साल नहीं तीन महीने या सत्तर या नब्बे दिन ये जो सबयीन का जो सबाइन या तस्न है वही है उस वक्त नुकते नहीं होते थे कि रसोल्ला की रहलत के बाद पता नहीं है सत्तर दिन जिंदा रही है या नब्बे दिन जिंदा रही है तो और नोतिस एक जैसा लिखा जाता है तो इसीलिए मतलब वो नुक़े ना होने की वजह से गलती गलत फहमी हो गई थी तो इसीलिए जो ना दो रिवायतें हैं पहली रिवायत यह है कि वो तेरह रबी को आता है और दूसरा तीन रबी सानी को जो कि हम ये दूसरी रिवायत के अतबार से मना रहे हैं पहली तो शहादत के अयाम हो चुके हैं या आखिरी शहादत के अयाम है तो जैसे ही आपकी रहलत होती है उसके बाद तीन दिन तक जनाजा पड़ा रहता है हर घर में तो होती है कि जितना जल्दी जनाजा दफना दिया जाए लेकिन लोग काय में मशगूल हैं मशगूल हौसलो कफन के लिए नहीं कुछ लोग बहाना बनाकर मौत का इनकार कर रहे हैं कुछ लोग अपनी मनसब के लिए तुले हुए हैं अपने मकाम के लिए तुले हुए हैं सकीफा में दुनियावी खिलाफत के लिए गुफ्तगु और एक वोटिंग चल रही है तीन दिन के बाद हजूर की तदफीन होती है तदफीन के बाद आमतौर पे यह होता है कि सात दिन या दस दिन तक जो तस्वुरा होते हैं कि पुरसादी आ जाए। इस में कल की मुझसे मर्ज किया कोई पुरुषा नहीं सातवें दिन अभी दफना ही है चार दिन के बाद सातवें दिन घर पे अटैक होता है अब जब घर पे अटाक होता है अब खुद अब जाने कि ये जो अटैक हुआ है घर पे एक मामूली सा अटैक नहीं है एक दो लोग आ गए हों कुछ नहीं आप तस्वो करें कि मदीने में जिस मदीने में सात दिन पहले रसूल हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद पांच नमाज से पहले पांचों नमाज के बाद जिस दर पे आके बोसा दिया करते थे लोगों को बताते थे कि ये घर जन्नत का घर है ये दरवाजा जन्नत का दरवाजा है लोगों को ये वसीयत करते थे उसी दरवाजे को जलाने के लिए सबों की तदाद में लोग आए हैं आप कहेंगे भी दूसरे मौला क्या के चाहने वाले कहां थे ये सवाल होता है ना कि मौला के चाहने वाले कहाँ थे मौला के चाहने वाले तीन किस्म के थे एक वो थे जिनको रहलत के फौरी बाद जेल में डाल दिया गया घर के अंदर महबूस कर दिया गया दूसरा कुछ लोगों को जिला वतन कर दिया गया जैसे अब्दुल्ला अंसारी वगैरह उनको जिला वतन कर दिया गया सलमान बोजर उनको हाउस अरेस्ट किया गया और तीसरों को तीसरा वो गुरु था जिनको डरा कर ऐसे रख दिया गया कि किसी की जरूरत तो हिम्मत नहीं भी आए और जिस तरह से आप जानते ही हैं अगर मौला चाहते तो अपनी तलवार को मियां से निकाल लेते तो किसी की जरूरत ना होती कि मौला के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए लेकिन वसीयत रसूल थी अंदर बैठ गए तो अब एक कौन है दिफा करने वाला हम तो कहते हैं कैसे हो सकता है सात दिन के पहले नहीं हो गया हो गया ना तारीख खुदा रहा बताइए कि जब घर पे हमला हुआ सब वो लोगों के साथ घर जलता हुआ दर जब गिरा है तो किसके ऊपर गिरा है बीबी -बी के ऊपर आप तस्व करें कि अगर बदन में कोई जख्म हो अल्लाह अकबर तो मुख्तलिफ जख्म की एक मुख्तलिफ नोयत होती है कोई सर फटे हाथ टूटे पैर टूटे कुछ कैफियत होती है लेकिन अगर किसी का पहलू फसलियां टूट जाए तो ये फसलियां जो होती है वो बिल्कुल इंसान के लिए इतना सांस लेने के लिए मुश्किल कर देती इंसान सोच नहीं सकता अब तस्वर करें बी बी इसी हालत में बच्चा शहीद हो जाए सख्ते जनीन हो जाए कमर टूट जाए देखें। इन तमाम चीजों के बावजूद जैसे मौला को रसन में डालकर खींच खींच कर ले जा रहे हैं जैसे गश से इफाका होता है तो जैसे ही बीबी की आंखें खुलती हैं तो सबसे पहला जुमला है आना अबल हसन आईना हसन अल्लाह अकबर जैसे आईना अबुल हसन का जुमला निकलता है तो फिजा फरमाती है कि बीबी अबुल हसन को हाथ पैर बांध करके मस्जिद की मस्जिद की तरफ ले गए हैं अब जैसे सो उसकी हालत में खड़ी होती है मस्जिद की तरफ जाने के लिए तो उस वक्त बीबी फिजा कहती है कि बीबी आपके शोहर अली मुर्तजा हुक्म दिए हैं कि जहरा घर से ना निकले अल्लाह अकबर अगर जहरा घर से निकल जाए तो क्यामत बर्पा हो जाएगी न जाने बीबी पे क्या गुस्रा हो और उधर बौला कानाथ अल्लाह अकबर वो शिजा वो जरी इंसान जो कि इंसान सोच नहीं सकता दर खैबर एक इशारा है एक, एक, एक मिसाल है वो अली देखे अपनी

आमतौर पर होता था कि अपने मियाँ और अपने शोहर को बीवी बीवी बता देती है लेकिन बीवी जानती थी कि अगर अली को मैं बता दू क्या जुल्म हो रहा है अली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अल्लाह अकबर बीबी दे रिवायत तो हदीस के मुताबिक के मौके तक आपकी शहादत के बाद तक अली को नहीं बताई थी न जाने सांस लेने में कितनी दिक्कत होती थी, थी। सात दिन से लेकर आपकी शहादत तक अब यही जख्म था जो शहादत का बायस बना है अब इसी जख्म के हालात इसी जख्म के बावजूद अब जा रही है दक्ल बाप कर रही है हर घर घर में क्या तुम गदीर क्या तुम गदीर को भूल गए अब ये हम तो तस्ता कि बीवी सिर्फ गिरिया करके नहीं। नहीं। बीबी का एक बहाना था लोगों के लिए बता देने के लिए लेकिन बीबी हर घर में जाकर विलायत मिलायत से, से बताई लेकिन कोई नहीं माना तीन दफा कोर्ट बना है और दरबार में मुकदमा दर्ज हुआ है और बीबी इसी हालत में जाकर तीनों दफा वो खुतबा दी है लेकिन इन चीजों के बावजूद जब ये सब हो जाता है त्रिवाद महीने बाद अब अली घर में बैठे हुए हैं और बीबी बर्दाश्त नहीं कर पाती परमाती है कि अली अब घर में रोने की इजाजत नहीं है लोग आ रहे हैं मुझे एक ऐसी जगह बना दे जाके मैं वहां पर अपने बाप के लिए गिरिया करूं अब ये हसन जो है बकी के आखिर में उस तरफ है न जाने बीबी की आहूफ कितनी थी कि मदीने वालों के कानों में गूंजती थी, थी लेकिन खुदारा खुदारा कोई कोई मदीने में इंसान था जो आकर कहे कि के बीबी के में क्या हो रहा है अल्लाह पर क्या मसलूमियत का जमाना था इंसान सोच नहीं सकता अब जब ये मसला होता है मरला गुजरता है तो मुकदमा हुआ सब कुछ हुआ आखिरी नजाद इन अय्या में बीबी की वसीयत है वसीयत कब हुई कि आपकी शहादत से एक या दो दिन पहले शेख अब्बास तुम लिखते हैं कि शहादत से एक या दो दिन पहले बीबी का दिल भर आया जैसे बीबी का दिल भरा आता है तो बीबी फरमाती है मौला कहना से कि आली सुना है लोग सलाम नहीं करते नहीं आम तौर पे जब इंसान सलाम का जिक्र आता है तो एक बुरदवार बुजुर्गी का है ना सलाम नहीं करते तो मौला कैना सर झुका लेते हैं फरमत बीबी ना सलाम नहीं करते जब मैं सलाम करता हूँ मुंह मोड़ लेते हैं अल्लाह ना उपर ये मौला कैनात की मजरूमी देखिए कहाँ तक है अब जैसे ही जुमला सुनना था बीबी अर्ज करती है फरमात आली बस अब मुझे इजाज़त दो अल्लाह अकबर अब बीबी आती है न जाने बच्चों को किस तरह से दिया। बच्चों किस तरह से तैयार करती है तैयार करती है दो साल की कुलसुम है तीन साल की हजरत जैनब सलाम है पांच साल के हसन है छह साल के हुसैन है अब ये दो तीन पांच छह सात साल की उम्र कोई उम्र होती है अल्लाह अकबर इस उम्र में जैसे बच्चे तैयार हो जाते हैं बीबी नहा लेती है अब नहा कर मुसल्ला है अल्लाह मफाती खुदा मुझे इस्म से जल्दी उठा ले मौत दे दे हालांकि मौत की तमन्ना करना इंसान के लिए जेबा नहीं है लेकिन बीबी यहाँ पर मजबूरी उस हालत में है कि अब बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं दस बजाराज करूंगा बीबी अब सिर्फ वाली है, मुर्तजा की इस जुमले को सुनकर बर्दाश्त न कर पाई अब आए देखिए अली के दिल से पूछे बाद जो हालात में है अब पच्चीस साल तक किस से अली किस हालात से गुजरे हो गए अल्लाह पर जैसे वसीयत हो जाती है न जाने किस हालत में ये दुआ देख रहे हैं अब रात होती है अब जैसे रात होती है बीवी की वसीयत देखिए, क्या अली वक्त करीब आ चुका है अम्मा रात की तारीकी भी मुझे देना, हुनूद देना कफन पहनाना और मेरा जनाजा रात की तारीकी में दफनाना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अगर दिलों को अगर आप थामे देखे जिस तरह से मैं अर्ज किया मौला नहीं के कितना गहरा है कितना फसलियां टूटी हुई है जैसे बोला कैनाथ रात की तारीखी में गुसल का इरादा करते हैं अब जैसे ही गुसल का इरादा करते हैं देखा कपड़ा चिपका हुआ है अब मौला कैनाथ देखते हैं फसलियां टूटी मौला कैनाथ की दिल से आवाज निकलती है अल्लाह

اللهم انا نسألك ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا, يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم زل علينا بركات رحمتك وغفرانك رضوانك اللهم تقبل من اسم اللي. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان مات من حسين.